इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी के वारंट तो जारी नहीं हुए, तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं, इधर खड़े हो जाएं, ये केस इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि अभी गिरफ्तार करने के कोई ऑर्डर नहीं है। बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा आरिस ने कहा कि ये केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है, जबकि वकील इंतजार पंजौता ने कहा कि मुस्तकबिल से मुतालिक कोई जमानत दे दें। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो यहाँ से तो अच्छा ही होगा ना, बुशरा बीबी को नैब ना पकड़े, ये ना हो कि शाम को इन्हें पकड़ लें। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान बुशरा बीबी हाजिरी लगाकर अदालत से रवाना हो गईं और अदालत ने जमानत कबल आज गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया, जो 1:30 बजे सुनाया जाएगा।